गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को पार्ट 9 जीवित जीवों में श्वसन के वीडियो भाग 5 में पौधों में श्वसन, पत्तियों में श्वसन, तनों में श्वसन, जड़ों में श्वसन के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, आप सभी को वीडियो 4 में जो है जंतुओं में श्वसन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आप उस वीडियो को देख करके आप उसे भली बात पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको पत्तियों में श्वसन के बारे में पढ़ाएंगी। बच्चों, आप पत्तियों को देखते होंगे कि वे हरे कलर की होती हैं, ठीक। और जो पत्तियां हरे कलर की होती होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। कुछ पत्तियां हरे कलर की नहीं होती, विभिन्न रंगों की होती हैं। तो ऐसा नहीं कि उसमें भोजन का निर्माण नहीं होता, उसमें भी भोजन का निर्माण होता है। बच्चों, पत्तियां जो है हमेशा जो है श्वसन क्रिया करती रहती हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बच्चों, वह दिन के समय होती है, रात के समय जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। कि बच्चों, तो श्वसन क्रिया के दौरान भी जो है जंतुओं की तरह जो है पौधे भी जो है ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती बेटा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को जो है छोड़ते हैं। यही कारण है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है पौधों में बेटा, वह श्वसन क्रिया की जो है दर से अधिक होता है और उससे उत्पन्न जो है ऑक्सीजन का भी उपयोग पौधे श्वसन दर में करते हैं। तो बच्चों, पौधे की जो पत्तियां होती हैं जो श्वसन की क्रिया करती हैं वह स्टोमेटा के द्वारा करती हैं। इसके द्वारा स्टोमेटा के द्वारा पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे जो है बहुसंख्यक जो है छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक बेटा, अब आता है आपका तनों में श्वसन। बच्चों, तनों में भी श्वसन क्रिया होती है पौधे की पत्तियों की तरह। जो है पौधे के तने भी श्वसन करते हैं। जो श्वसन करते हैं बेटा, किसके द्वारा करते हैं? लेंटिकल्स के द्वारा। उसके द्वारा तनों में श्वसन क्रिया होती है बेटा, लेंटिकल्स के द्वारा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका लास्ट, जड़ों में श्वसन। बच्चों, पौधे भी जो है जड़ों के द्वारा भी श्वसन की क्रिया करते हैं। आप देखेंगे कि ये आपका जड़ है बेटा, आपको चित्र के द्वारा जड़ के बारे में मैं आपको दर्शा दिया हूँ। तो देखते हैं, जड़ें भी बेटा अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेटा श्वसन करती हैं। तो जड़ें बेटा कहाँ होती हैं? भूमि के अंदर रहती हैं। और आप ये भी देखते होंगे कि कभी काल सुने होंगे कि जो माली होता है पौधों की जड़ों के पास जो है खुरपी से मिट्टी को खोदता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है बच्चों, क्योंकि खुरपी से जो मिट्टी को खोद देने से जो श्वसन क्रिया है बेटा वे पौधे आसानी से करते हैं। आप गमले में एक पौधा लगा लीजिए और उसमें कंटिन्यू जो बेटा अगर आप पानी डालेंगे तो पौधे सूख भी जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि पौधों में लगातार जब पानी हम डालेंगे तो श्वसन क्रिया बेटा पौधे की जड़ें नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। इसलिए हमेशा गमले में पानी जो है नहीं देना चाहिए। अगर आप पानी को देते भी हैं तो अधिक मात्रा में
नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पौधे की जो जड़ें होती है टा वे भी श्वसन की क्रिया करते हैं, और किसके द्वारा करते हैं, लेंटिकल्स के द्वारा। आप देख रहे हैं था एक बहुत मिट्टी है, मिट्टी में बेटा क्या होता है, यहाँ पे जो है अवकाश होता है, ठीक, जिसके द्वारा जो है मिट्टी में जो है वायु जो है बेटा प्रवेश करती है, आपका वायु बेटा ये आपका जो दशारण है, ये आपका मूल रूम है, क्या बच्चों, मूल रूम, ठीक। अब नेक्स्ट जो दिया बेटा आपका मूल रूम है, और आपका ये जो दर्शाया गया था मूल पुरुष क्या है, मिट्टी है, मूल पुरुष क्या है, मूल की सुधरता जड़, ठीक। अब देखिए वायु बेटा जब हम खुरपी से मिट्टी को फटाते हैं तो उनके पार्टिकल से जब करते हैं तो वायु होता है इनकी जो है अंदर पहुंच जाता है, और ये मूल रूम बेटा क्या है, मिट्टी से कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए बेटा क्योंकि मृदा जो होती है प्राणस्वरूप जड़े श्वसन करने में समर्थ नहीं होती है, बेटा मूल के छोटे भागों में मूल रोम होते हैं बेटा। आप मूली के जो जड़ के देखिए, मूली का जो मोटा जड़ होता है मतलब प्राथमिक जड़ होता है, उससे जो रेशे निकले होते हैं बेटा आपका क्या होता है, द्वितीयक जड़े होती है, उससे भी छोटे पतले पतले जो है जड़े निकली होती है, जिसे हम तृतीयक जड़े कहते हैं या हम मूल रोम भी कहते हैं। तो बेटा इस मूल रोम होते हैं तो ऑक्सीजन इन मूल रोमों में जाती है, ठीक इसी समय पर मूल रोमों से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में विसरित हो जाती है। मूल रोम के पुराने भागों में बेटा छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसने हम लेंटिकल्स कहते हैं, ये मृदा था मूलों के बीच बेटा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो बच्चों अब आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्लांट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल, बेटा पौधे तथा जो है जंतुओं में श्वसन क्रिया में अंतर। तो आपको बेटा एक एक पॉइंट करके बता दे रहे हैं कि पौधों में श्वसन और जंतुओं में श्वसन में क्या अंतर है। तो जो पहला पॉइंट है आपको बेटा पौधों में श्वसन, दो कॉलम आप बना लीजिएगा, ठीक, एक जो है पौधों में श्वसन, दूसरा जंतुओं में श्वसन, ठीक बेटा। जो पहला पॉइंट है पौधों में जो श्वसन करता, पौधे जो है श्वसन की क्रिया जो है वह रंध्र या लेंटिकल्स के द्वारा करते हैं, और जंतुओं में श्वसन बेटा जो क्रिया होती है वह त्वचा गिल्स और फेफड़े के द्वारा होती है, पहला अंतर है। दूसरा जो अंतर है पौधों जंतुओं के श्वसन में बेटा, पौधों में जो श्वसन क्रिया के उपरांत बेटा बहुत कम मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है, जबकि जंतुओं में श्वसन के उपरांत जो है अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक। अब आपका तीसरा जो पॉइंट आता है वह है बेटा आपका सभी भाग स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र करके बेटा श्वसन करते हैं, जबकि बेटा संपूर्ण जीव स्वतंत्र रूप से श्वसन करता है। अब आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, पौधों में श्वसन में गैसों का जो परिवहन होता है बेटा वह कम होता है, जबकि जो है जंतुओं में जो है गैसों का जो परिवहन है बेटा वह अधिक होता है। तो पांचवा जो पॉइंट है आपका, पौधों में जो श्वसन दर होता है बेटा वह कम होता है, जबकि जंतुओं में श्वसन दर अधिक होता है। और इसी के साथ बेटा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। बच्चों आपके बुक में भी दिया गया है वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन के बारे में बेटा, जो
वायवी श्वसन होता है वह ऑक्सीजन के उपस्थित में होता है बेटा, जो अवायवी श्वसन होता है वह ऑक्सीजन के अनुपस्थित में होता है। और दूसरा पॉइंट बेटा वायवी श्वसन में इस प्रक्रम में भोजन का बेटा पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि जो है अवायवी श्वसन बेटा भोजन का जो है पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। तीसरा जो पॉइंट है बेटा इस प्रक्रम में जो वायवी श्वसन का तीसरा पॉइंट बेटा इस प्रक्रम में जो है अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, और जबकि अवायवी श्वसन में जो है ऊर्जा अधिक रूप से मुक्त नहीं होती है। लास्ट पॉइंट आपका बता रहे बेटा कि दिया है यह मनुष्य सहित अधिकतर जीवों में होता है वायवी श्वसन, जबकि यह जीवाणु तथा ईस्ट में होता है। बच्चों आपको दो अंतर बताए वायवी तथा अवायवी जो है श्वसन में अंतर, पौधे में श्वसन था जंतुओं में श्वसन अंतर। इसी तरह का एक और आपका अंतर है सांस लेना तथा कोष की श्वसन में क्या अंतर है। तो बेटा सांस लेना आपका एक भौतिक प्रक्रिया है, जबकि जो कोष की श्वसन है वह एक रासायनिक प्रक्रम है। दूसरा अंतर है बेटा आपका इस प्रक्रम में गैसों का विनिमय जो होता है अर्थात ऑक्सीजन था कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि कोष की श्वसन में बेटा जो है प्रक्रम में ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरा जो होता है आपका सांस लेने में यह कोशिकाओं से बाहर होता है, और जबकि कोशिका श्वसन बेटा क्या होता है कोशिका के अंदर होता है। तो बच्चों इस तरह जो है लास्ट जो पॉइंट है यह केवल जो है सांस लेना कुछ अंगों में होता है बेटा, यह जीवों को जो है समस्त कोशिकाओं में होता है। तो इस प्रकार से बेटा आप जो है आपके बुक में जो है अंतर दिए हुए हैं आप उसे अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।